माइंड मैनेजमेंट एक बहुत ही अद्भुत बुक है जिसमें स्वामी जी ने वैदिक नॉलेज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया हुआ है। तो दोस्तों, इस बुक का टाइटल सुनते ही आपके मन में एक विचार तो जरूर आया होगा कि आखिर हमें अपने माइंड को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है। तो स्वामी जी कहते हैं दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया को बनाया है परमपिता परमात्मा ने और इसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें ऑलरेडी परफेक्ट हैं। आप देखोगे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के जैसा नहीं है, मीन्स ये दुनिया कितनी परफेक्ट है। लेकिन हम इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं, हमारा जो मन है वो हमारे अंदर एक अलग ही दुनिया बनाता है और उसे मैनेज करने के लिए हमें माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हमारा जो मन है वो लगातार विचार क्रिएट करता रहता है एंड जो ये विचार है एक सटल एनर्जी होती है, ये हमारे अंदर फीलिंग को क्रिएट करती है और ये सारी फीलिंग्स हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करती है। ये विचारों की एनर्जी हमारे बिहेवियर में अफेक्ट करती है और इसी तरह हमारे अपीयरेंस को भी अफेक्ट करती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि फ्रेंड्स, हमारे विचार हमारे एक्शंस को क्रिएट करते हैं। थॉट्स बाय थॉट हम हमारी डेस्टिनी को बनाते हैं एंड अगर हम ये सब चीज़ों को मैनेज करना है तो हमें माइंड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है माइंड में कि हम हमारे माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। तो स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि मन के कुछ रोग हैं जिसे हम कहते हैं एफ्लिक्शंस ऑफ माइंड। सो फ्रेंड्स, मन का जो पहली बीमारी है उसका नाम है गुस्सा यानी कि एंगर। दूसरी बीमारी है लालच जिसे हम ग्रीड कहते हैं। एंड ये जो दोनों रोग हैं उसकी जड़ है एक तीसरी बीमारी जिसका नाम है डिज़ायर यानी कि इच्छा। डिज़ायर की वजह से गुस्सा और लालच क्रिएट होता है। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है और अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हमारे अंदर लालच बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन चाहिए और वो कहता है मुझे गुलाब जामुन ला के दो, मुझे बहुत तीव्र इच्छा हो रही है गुलाब जामुन खाने की। एंड आप उसे गुलाब जामुन ला के देते हैं एंड अब आप उससे पूछते हो कि अब आप सेटिस्फाइड हो पूरी ज़िंदगी भर के लिए। वो कहेगा नहीं, कुछ दिन के लिए सेटिस्फाइड हूँ लेकिन कुछ दिन बाद मुझे और गुलाब जामुन चाहिए। तो डिज़ायर अगर कंप्लीट नहीं होती तो गुस्सा आता है एंड अगर डिज़ायर कंप्लीट हो जाए तो और लालच बढ़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये डिज़ायर आती कहाँ से है। फ्रेंड्स, डिज़ायर आती है अटैचमेंट यानी कि मोह के कारण। किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति अगर हमें अटैचमेंट है तो हमारे माइंड में उसके प्रति इच्छा आती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें अटैचमेंट क्यों होती है। दोस्तों, हम जब बार बार किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना के प्रति बार बार सोचते हैं यानी कि रेपिटेटिव थिंकिंग करते हैं, ये करने में हमें खुशियां तो मिलती हैं तो हमारे मन में उसके लिए अटैचमेंट भी क्रिएट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब करते क्यों हैं, क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, हमें खुशियां चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आता है कि हमें खुशियां क्यों चाहिए, क्या कारण है इसका। फ्रेंड्स, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर में बताया गया है अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म का अंश हूँ, विच मीन्स हम सब जीव परमपिता परमेश्वर का अंश हैं और जो परमपिता परमेश्वर हैं वो खुशियों का महासागर है, विच मीन्स गॉड इज ओशियन ऑफ ब्लिस। सो खुशियाँ हमारा स्वभाव है, हमें खुशियाँ चाहिए पर एंडलेस खुशियाँ चाहिए, हमें ब्लिस चाहिए। बाकी ये टेम्परेरी हैप्पीनेस तो हमें नहीं चाहिए, हमें एटर्नल ब्लिस चाहिए। टेम्परेरी खुशियाँ पाने के लिए हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ों के पीछे भागते हैं कि ये मिल जाए तो खुश हो जाऊँगा, वो मिल जाए तो खुश हो जाऊँगा, पर हमें तो इन रियल एंडलेस खुशियाँ ही चाहिए जो कि परमपिता परमात्मा से पुनः एक होने पर ही मिलेगी। जब तक ये एंडलेस खुशी ना मिल जाएगी तब तक हमारे अंदर अटैचमेंट होगा, डिज़ायर होगा, क्रोध होगा, लालच होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें किसी बात की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जब हम कोई भी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए सक्सेस पाने के लिए। स्टार्टिंग में जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में भी ये थॉट आया कि इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे स्वामी मुकुंदानंद जी ने कहा है कि हमारे अंदर डिज़ायर होगी तो गुस्सा भी आएगा और लालच भी आएगा। और गौतम बुद्ध ने भी कहा है, संसार में दुख है और दुख का कारण है इच्छा। इच्छा अगर आप ख़त्म कर देते हो तो आपका दुख भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप फिर ये सवाल उठता है कि हमें इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो स्वामी मुकुंदानंद जी ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इस बात को कि इच्छा तो करनी चाहिए, अटैचमेंट तो होनी चाहिए और उसके बिना हम जिंदगी जी नहीं सकते। बड़े बड़े साधु संत भी इच्छा से नहीं बच पाए हैं, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जी भी इच्छा से बच ना पाए। उनके अंदर भी डिज़ायर थी कि मुझे मानव जाति को खुशी देनी है, मुझे उनका कल्याण करना है। इस बर्निंग डिज़ायर की वजह से ही तो वह जिंदगी भर भटकते रहे और लोगों को ज्ञान देते रहे, तो उनके अंदर भी तो डिज़ायर थी ना। अब सवाल ये उठता है कि डिज़ायर कैसी होनी चाहिए।
सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अटैचमेंट तो रखना है लेकिन किसी हायर पर्पज़ के लिए। हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए किसी भी हायर पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बार बार सोचते हो कि अच्छी हेल्थ में खुशी है, अगर मैं हेल्दी हो जाऊँ तो मैं बहुत खुश रहूँगा, सो ऐसे में आपके मन में हेल्थ के लिए अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि फिर आप अपने शरीर को हेल्दी रखने की डिज़ायर होगी आपको। आप भगवान के प्रति भी रेपिटेटिव थिंकिंग करके आप गॉड के लिए भी अटैचमेंट रख सकते हैं। ये सब हायर पर्पज़ की अटैचमेंट है जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। अटैचमेंट चाहे हायर पर्पज़ के लिए हो चाहे लोअर पर्पज़ के लिए, मगर अटैचमेंट आप में है तो डिज़ायर भी होगी, और अगर डिज़ायर होगी तो उसकी दो संतानें एंगर और ग्रीड भी आने ही वाली है। तो स्वामी जी कहते हैं कि तब आपको अपने गुस्से को अपना दोस्त बनाना है और अपने अंदर के लालच को भी अपना दोस्त बनाना है। जैसे आपके अंदर अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक डिज़ायर है, आप जैसे कि अच्छे हेल्थ का आपको ये गुस्सा होना चाहिए कि मैंने अपने हेल्थ के लिए और प्रयास नहीं किया जितना मैं कर सकता था, और आपके अंदर अगर नॉलेज पाने के लिए लालच है तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अरे मुझे और नॉलेज चाहिए जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको हायर पर्पज़ के लिए डिज़ायर रखनी है। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है हायर पर्पज़ के लिए। दोस्तों, मन का एक हिस्सा है इंटेलेक्ट, जो मन को कंट्रोल करता है। इंटेलेक्ट ही ये डिसाइड करता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है और उसके हिसाब से माइंड डिज़ायर क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 3 दिन से भूखे हो और आपके सामने गुलाब जामुन लाया जाए, तो आपका मन आपकी बुद्धि से पूछता है कि क्या मुझे गुलाब जामुन खाना चाहिए। तो आपका इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि बोलती है हाँ, आपको गुलाब जामुन खाना चाहिए, क्योंकि आप 3 दिन से भूखे हो। और फिर जो मन है आपका, वो गुलाब जामुन खाने की इच्छा करता है, और उसी वक्त कोई आपको कहे गुलाब जामुन मत खाना, इसमें जहर है, तो आपका इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि तुरंत कहेगा ये टॉक्सिक है, इसको मत खाना। एंड जो आपका मन है वो गुलाब जामुन खाने की इच्छा को ख़त्म कर देगा। इन शॉर्ट, इंटेलेक्ट हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, लेकिन कई बार हमारे बुद्धि और हमारी इच्छा के बीच झगड़ा चालू हो जाता है, जिसका बैड रिजल्ट बहुत समय के बाद आने वाला होता है, तुरंत उस वक्त नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें इच्छा होती है कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, और ना चाहते हुए भी हम खा लेते हैं, मतलब ऐसे वक्त हमारी इच्छा हमारी बुद्धि की नहीं सुनती है। तो ऐसा क्या करना है उस टाइम हमें? जो इंटेलेक्ट का सबसे पावरफुल हथियार है, डिसर्मेंट यानी कि विवेक। ये जो विवेक है हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन ऐसे में हमारा विवेक बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम हमारे विवेक यानी कि डिसर्मेंट को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम हमारे विवेक को पावरफुल कर सकते हैं थ्रू आवर नॉलेज। आप जितना ज़्यादा ज्ञान लेते हो, हमारा विवेक उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। नॉलेज आपको ट्रस्टेड सोर्स से ही लेनी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना भी आना चाहिए। नॉलेज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? तो स्वामी जी इसके 3 तरीके बताते हैं। पहला है श्रवण, आपको अच्छा नॉलेज पढ़ना है और सुनना है। दूसरा है चिंतन, जो भी आपने पढ़ा है और सुना है उसका बार बार स्मरण करना। तीसरा है आपको फर्म डिसीज़न लेना है। जैसे ही आप ये डिसीज़न लेते हो कि हाँ मुझे बुक रीडिंग करनी है, मुझे इससे बेनिफिट होगा, तब आपका जो फर्म डिसीज़न है वो बाद में आपके बिलीफ में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना है। नेक्स्ट, अब आपने ये सारी टेक्निक सीख ली एंड यूज़ भी कर ली, फिर भी आप अपने माइंड को एक सर्टेन पॉइंट तक ही कंट्रोल कर पाते हैं, और उसके आगे आप उसे कंट्रोल करने में असफल रह जाते हैं। तो स्वामी जी ऐसे में कहते हैं कि आपको उस वक्त परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। अगर आपके साथ परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, तो आप ये मटेरियल एनर्जी, जिसे कि हमारे वैदिक साहित्य में माया जाल कहा गया है, हम इस माया जाल से बाहर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है, भगवान का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको संपूर्ण शरणागति रखनी है, यानी कि कंप्लीट सरेंडर रखना है ईश्वर के प्रति। जिस भी शक्ति को आप मानते हो उसके प्रति आपको विश्वास रखना होगा। नेक्स्ट, आपको ये विश्वास रखना होगा भगवान पर कि अगर वो धरती के सभी जीवों को चाहता है, प्रोटेक्ट करता है, तो मुझे भी प्रोटेक्ट करेगा। जैसे छोटी सी चींटी होती है, उसके लिए भी खाने की व्यवस्था ईश्वर करता है। हमने कभी ऐसे देखा है कि बहुत सारी चींटियाँ भुखमरी की वजह से मर गई हों? अगर वो चींटी का भी ख्याल रखता है, तो ऑफकोर्स वो हमारा भी ख्याल रखेगा। ऐसे विचार रखने पर हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है। भगवान ने इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बनाई है, तो उसके लिए हमें भगवान का थैंक्स रख करना चाहिए, और हर काम को भगवान की इच्छा के अनुसार ही करना है, यानी कि हमें गो विद द फ्लो में रहना है।
हर काम को दिल से करना है और सही काम करना है। सो फ्रेंड्स, थ्रू सरेंडर टू गॉड आप परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है कि हम अपने माइंड को मैनेज नहीं कर पाते हैं? तो उसका एक रीज़न और है फ्रेंड्स, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हम हमारे माइंड को मैनेज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस के बारे में दो बातें होती हैं, पहला है इमोशनल स्ट्रेस विद इन अस, दूसरा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन आउटसाइड। सो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आउटसाइड है, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है सक्सेस पाने के लिए। जैसे एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट दिल से पढ़ाई करते हैं, कई लोग तो रात रात पढ़ाई करते हैं, अचानक उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बाहर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेके हम हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम अपने अंदर स्ट्रेस पैदा क्यों कर लेते हैं? इसका कारण है अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट टू डिज़ायर रिजल्ट। हमें डिज़ायर रिजल्ट के प्रति हम अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि जो ये काम मैं कर रहा हूँ इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब हम बार बार सोचते रहते हैं। हमारा मन डिज़ायर रिजल्ट में ही लगा रहता है, इससे हमारे अंदर बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? जो अटैचमेंट हमने डिज़ायर रिजल्ट के प्रति रखी है उसे ट्रांसफ़र कर देना है सुप्रीम गॉड यानी कि ईश्वर के ऊपर। हमें चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें हमारा कर्म करना है 100% देके और फल की चिंता भगवान पे छोड़ देनी है। और इसे ही कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग के द्वारा हम बहुत आसानी से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। कर्मयोग का मतलब है बॉडी इन द वर्ल्ड एंड माइंड इन द गॉड। बस आपको कर्म अपना अच्छे से करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। वो भगवान जानता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, उसको भगवान के ऊपर ही छोड़ देना बेहतर है। ये बात हमेशा याद रखें कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ, भगवान मुझे हर वक्त देख रहे हैं। ऐसा करने से आप कोई भी गलत काम करने से भी बच जाएंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे भले के लिए ही होगा। अब नेक्स्ट बात होती है फ्रेंड्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन की। अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है तो एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारा इमेजेस है, एक्सपीरियंस है, फोबियाज है, ग्रजेस हैं, और ये कई जन्मों का है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉन्शियस थॉट एंड एटीट्यूड को। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें ऐसे विचार क्यों आते हैं, मैं ऐसे विचार के बारे में नहीं सोचना चाहता, फिर भी मुझे ऐसे विचार आते हैं, मेरा एटीट्यूड ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। इसका जो सोर्स है फ्रेंड्स वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिविटी को इंस्टॉल करना है, जिससे हमारे कॉन्शियस थॉट एंड एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी इंस्टॉल करने के लिए अफर्मेशन बहुत बढ़िया टेक्निक्स एंड टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। ऐसा कहते हैं एक तस्वीर जो है वो हज़ार शब्दों के बराबर होती है। जब आप पॉजिटिव एफर्मेशन कर रहे हों और उसके साथ साथ आप कुछ चित्र भी अपने मन में विजुलाइज करते हो तो बहुत जल्दी से वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में हेल्प करती हैं। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।